Let's start that our lecture. Whose cup of tea? ठीक है, अभी मैं चाहिए मुझे बोलूँगी ना. These are the parameters. I believe कि आप सब लोगों को एक चीज का पूरा भरोसा है कि मैथ्स में जो प्रूफ हो जाता है वो प्रूफ हो जाता है. ठीक है, उस पर कोई उंगली खाता नहीं है, उसके लिए सैंपल स्पेस जरूरी है. And I have good sample space of students, very good sample space variety from 10th class to 12th class to now masters and so-called PhD scholars. I should say so-called PhD scholars. बहुत सारे scholars ऐसे ही हैं जिनके conclusion इस pilot test जैसे आ रहे हैं. बहुत सारे हैं, आप यकीन मानिए हम लोग का बहुत बुरा हाल है. University level education का हाल बहुत अच्छा नहीं है. इससे अच्छा आईटीज में एक चीज बहुत अच्छी जो मैंने फील की है, पढ़ाते तो वहां पे भी नहीं है, पढ़ाते तो वहां पे भी नहीं है, बट वहां पर चूंकि वो सिस्टम ऐसा है कि वो माइनर माइनर भेजे, पता नहीं कब हाथ से नंबर छूट जाएंगे, मालूम नहीं है. तो लगातार आपको कुछ, हमें नहीं आता था ए प्लस बी. मेरे जैसा आदमी झांसी से आया हुआ रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर देखा था, उसमें से पहले कंप्यूटर नहीं देखा था. 94-93 बता रहा हूं मैं, आईटी एमएससी करने गया. चार दिन बाद उन्होंने बिठा दिया, 4.77 सिखाते थे और पता नहीं क्या फॉर्मूला, मेरे कॉल नंबर या लगा रहे कुछ उसका था, उस पर उसके जो कुछ वैल्यूज फाइंड करने का कॉल नंबर प्रोग्राम लिखने में बोल दो. मुझे कर्सर समझ में नहीं आया, सर कर्सर किसे कहते हैं, और मुझे कह रहे थे वो डेढ़ पेज की प्रोग्रामिंग करोगे, और वो कहे 10 मार्क्स का करोगे भी करोगे, फिर फेल कौन होना चाहेगा. तो यहां गए वहां गए, एमसी डिपार्टमेंट में गए, जहां जहां दोस्तों पाला हॉस्टल पाला कौन कौन है, सबको पर किसको आती है, चार पांच लोग पकड़ा, उन्होंने समझाया, ये लिखा वखा कुछ करके कॉल पेस्ट करके सबमिट कर दिया. बट उस प्रोसेस में ना इतना कुछ जान गए, ये ऐसे ऐसे होता है, बताया तो किसी भी नहीं था, और करना मजबूरी है. बाद में ये है कि ऐसा कुछ काम भी नहीं दिया जाता ना, मजबूरी है, तो वो जो एक सीखने का मौका मिलता वो भी खत्म हो गया. हमारे यहाँ डीयू में शुरू कर दिया गया कभी 4-year प्रोग्राम, जैसे बंद प्रोग्राम, वी शुड अप्रिशिएट 4-year 10+2+4 इज अ गुड सिस्टम, सेमेस्टर प्लस 8 years. लेकिन 8 साल में कराओगे क्या, 4 साल में आपको करिकुलम है आपके पास, जो 3 साल में आप करा सकते थे उसको 4 साल एक्सटेंड करे तो कोई फायदा नहीं हुआ. करिकुलम नहीं है हमारे पास पढ़ाने के लिए, तो हम 4 साल क्या, 8 साल करने तो भी बच्चा वैसे निकल के आएगा.